हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे? वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर आप सभी का मैं अंकुर दुबे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। चलिए तो डियर, यूनिट वन की सेकेंड लास्ट क्लास को आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम है ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एक शिक्षक और जिनको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनका बर्थडे, तो आज उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही अनकही हैं उनके बारे में। देखेंगे कि क्या उन्होंने ऐसा किया था जिस कारण से हम उनको उनके नाम उनके ऊपर एक शिक्षक दिवस मनाते हैं, और क्या ऐसी शिक्षाएं उन्होंने भारत के लिए दी हुई थी। तो गाइज, क्लास स्टार्ट करने के पहले कुछ जनरल चीज़ें बता देता हूँ। डियर, अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो ना और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो 1-to-1 की मेंटरशिप आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, एजुकेटर्स यहाँ पर आपको गाइड करते हैं कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस हैं जो आपको यहां पर प्लस सब्सक्रिप्शंस पर अवेलेबल होंगे। अनलिमिटेड पीडीएफ डाउनलोड्स हो गया है ना, स्ट्रक्चर्ड कोर्स हो गया, रेगुलर क्लासेस, काफी सारी चीजें आपको यहां पर दोस्त इस सेशन में मिल जाएगा। सो फाइनली यूनिट 1 कल हमारा एथिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। अपकमिंग कोर्स की जानकारी आज मैं आपको शाम तक अवेलेबल करा दूंगा, बट जो भी लेकर आऊंगा वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक है। कंटेंट आपने देखा है, हर एक तरीके से मैंने आपको अवेलेबल कराया। अब शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं आपको चीज़ें कवर करवा रहा हूँ, सो गाइज मिस नहीं करिएगा। सो कल हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली ये पूरी चीज़ें मैंने एथिक्स का पेपर आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अपना नया टॉपिक, वो है पेपर 3। तो उसके पहले आज सेकेंड लास्ट क्लास को कंप्लीट करते हैं, जिसमें आज हमारे लिए पढ़ना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो इनके लिए डियर सत सत नमन है, ठीक है, क्योंकि हम भी एक शिक्षक हैं और आज एक शिक्षक के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने आप में ये गौरवान्वित फील कर रहा हूँ लिटरली, क्योंकि इनके बारे में मैं जितना पढ़ा सकता हूँ वो कम ही होगा, क्योंकि इनके द्वारा जो भारत को दी गई शिक्षाएं हैं और इनके द्वारा जो अर्जित किया गया है जीवन में, वो लिटरली शब्दों में मैं नहीं, इनके बेटे जो डॉक्टर रहे हैं उन्होंने भी व्याख्यान नहीं कर पाए। तो ये एक ऐसी हस्ती हुआ करते थे, जिनका जन्म कब हुआ था डियर, केरल में, ठीक है, एक छोटे से गाँव में इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 के आसपास। तो आप टाइम पीरियड देखोगे कि नेहरू जी का जन्म जस्ट 1 साल बाद ही हुआ था, तो नेहरू जी और इनके, इन दोनों की उम्र ऑलमोस्ट सिमिलर थी, क्योंकि नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था, गांधी जी इनसे 20 साल बड़े हुआ करते थे, ठीक है, पटेल साहब भी थोड़े से इनसे लगभग 10-15 साल बड़े थे, सर है ना। तो आइए, ये इनका एक जन्म स्थान था तिरुनी, तमिलनाडु का गांव, पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी और माता का नाम सीतामन्ना। देखो यार क्या था, इनके जो पिताजी थे ना वो एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे। गरीब ब्राह्मण का मतलब क्या होता है कि ये इनके इनके घर में देखा जाए तो टोटल 6 बच्चे थे इनके पिताजी के, जिनमें 4 लड़के और 2 लड़कियां हुआ करती थी। टोटल इनके परिवार में कितने थे, जो इनके पिताजी थे, ठीक है, सर्वपल्ली वीरा स्वामी जी, ठीक है, जिनकी बात कर रहा हूं मैं, इनके टोटल कितने बच्चे थे, 6 बच्चे थे जिनमें 4 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। इसमें से दूसरे नंबर के जो बच्चे कहलाते थे वो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, दूसरे नंबर के बच्चे थे, 2 बहनें थी। अब 8 लोगों का परिवार, समझ रहे हो आप, 8 लोगों का परिवार किस तरह से अपने जीवन को यापन करता होगा। इनके पिताजी वहीं तमिलनाडु में एक मुंशी का काम किया करते थे, ठीक है, एक बेसिकली एक गांव के जो जमींदार थे उनका लेखा जोखा का काम करना इनका मुख्य रूप से पेशा था। इतनी कम आय में भी पूरे टोटल आठ सदस्यों का परिवार जीवन निर्वाह करता था। तंगी थी इनके घर में, इतनी ज़्यादा तंगी थी। इस तंगी के बाद भी इन्होंने किस तरह से शिक्षाएं अर्जित की, मैं आज आपको जब इनकी उपाधियां बताऊंगा ना आप भी लिटरली शॉक्ड हो जाओगे कि कोई एक व्यक्ति इतना कुछ अपने जीवन में कैसे कर सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, लिटरली बता रहा हूं मैं। जब आज मैं इनकी आपको उपाधियां बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए वो बताऊंगा। तो देखिए यार, निधन इनका 17 अप्रैल 1975 को हुआ था, ठीक है, भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया, इनकी याद में शिक्षक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यूएन के यूएन में राजनायक के तौर पर यहाँ पर हैं, जैसे अभी जयशंकर जी हैं, इसके अलावा दिल्ली के चांसलर रहे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, और इसका मद्रास में यहाँ पर ये चांसलर रहे हैं, जिस शुरुआत में जब इन्होंने जिस कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था वहाँ पर पहले ये टीचर थे, फिर वहाँ पर भी प्राचार्य बने और उसके बाद फिर प्रिंसिपल बन गए। मतलब इतनी सारी स्कूल्स इनके जीवन का लगभग 50 से 55 साल तक
केवल और केवल शिक्षा को समर्पित रहा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। इन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें भी लिखी हुई हैं, ठीक है, जैसे उपनिषद का संदेश, गौतम बुद्ध के ऊपर जीवन और दर्शन, इंडियन फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि ये इनके फैन हुआ करते थे। इनके कंटेम्प्रेरी पर जितने भी फिलोसफर थे उन सभी को राधाकृष्णन जी ने यहाँ पर पढ़ा हुआ था। तो ये इनकी कुछ यहाँ पर फेमस दर्शन के ऊपर जो किताबें थी। आइए अब शुरुआत करते हैं हम इनकी कहानी के बारे में। सबसे पहले आज दो दिन इनका लेक्चर हमें करना है, आज हम जीवन परिचय देखेंगे, जीवन परिचय के बाद किस प्रकार से इन्होंने शिक्षा अर्जित की, शिक्षा अर्जित करने के बाद किन किन मुख्य पदों पर रही है, फिर कल मैं आपको इनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, दर्शन के बारे में इनके बताऊंगा। ये वाला टॉपिक आपका कल करके खत्म कर दूंगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपने एक चीज नोटिस किया कि हमने आगे लगाया हुआ है सर्वपल्ली और फिर राधा कृष्णन, इनके पिताजी का नाम भी हमने यही पढ़ा, ठीक है, सर्वपल्ली फिर विष्णु स्वामी। सर्वपल्ली बेसिकली है क्या, सर्वपल्ली क्या था कि जब साउथ के जो हमारे गांव होते थे, ठीक है, सर्वपल्ली, तो वहां पर गांव के नाम से लोग जाना जाते थे। आजकल आज भी अपने आस पड़ोस में यहाँ पर देखोगे तो मम्मी है, ठीक है, बोलती हैं कि वो शाहपुर वाले हैं, वो छतरपुर वाले हैं, वो बंडा वाले हैं, वो इंदौर वाले हैं। तो एक जहाँ पर जो व्यक्ति रहता है उसके साथ एक वो टाइटल जरूर लग जाता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर इनके साथ था। इनके जो पूर्वज थे पहला, हालांकि तमिलनाडु में नहीं रहते थे, कर्नाटक में, वो लोग बहुत इंटीरियर में रहा करते थे। वहां से निकलकर ये लोग त्रिभुवन गांव से त्रिभुवन में आ गए, त्रिभुवन में रहने लगे। पर ये कभी नहीं चाहते थे कि इनके गांव की जो याद, इनके गांव का नाम सर्वपल्ली था, कि इनको भूला जाए, इनके गांव वालों को लोग भूले। तो इसी कारण से इन्होंने अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाना यहां पर शुरू कर दिया। तो सर्वपल्ली बेसिकली यहां पर क्या था, इनके गांव का नाम था और राधा कृष्णन इनका एक्चुअल नेम हुआ करता था। तो पूरा नाम बन जाता है सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ऐसे इनके बेटे हैं, वो भी डॉक्टर हैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में, ओके, तो वो भी यहीं पर सर्वपल्ली लगाते हैं और उसके बाद वो शायद उनका नाम अनिल है या आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, तो वो अपना फिर वहां पर नाम लिखते हैं। तो सर्वपल्ली क्या था, गांव हुआ करता था। तो ये गांव के रहने वाले थे। 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था एक गरीब ब्राह्मण परिवार में। टोटल इनके फैमिली में 8 मेंबर थे, ठीक है, ये लोग अपने 4 भाई और 2 बहन हुआ करते थे। शिक्षा दीक्षा शुरुआत में इन्होंने चालू की। अब इनके पिताजी ने जब इनको बचपन में देखा तो इनकी जो विलक्षणी प्रतिभा थी वो देखकर ही समझ गए कि ये मेरा बेटा जरूर जीवन में कुछ ना कुछ करेगा। पर इतना तो उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा इतना करेगा कि उसके नाम पर एक नेशनल हॉलीडे हो जाएगा या पूरे जीवन भर, मतलब आने वाली कई शताब्दियों तक उसको इस तरह से याद किया जाएगा। शुरुआत में उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा यहाँ पर करना चालू किया, ठीक है। तो शुरुआत में वहीं पर त्रिभुवन के एक स्कूल में थे, तो स्कूल में उन्होंने उनको दाखिला करा दिया। अब देखो, गरीब ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करेगा, भगवान के ऊपर भरोसा करेगा। ये टेंडेंसी यहाँ पर होती है और खासकर गरीब लोग तो सबसे ज्यादा भगवान के ऊपर अधिकतर भरोसा करते हैं कि ईश्वर क्यों मुझे इतने दुख दिए जा रहे हैं, क्या अब इनका ऐसा निराकरण होगा। तो शुरुआत से ही इनके घर में, ठीक है, पूजा पाठ का हर एक चीज का अच्छा माहौल था। इनके पिताजी ने क्या किया, फिर भी जानबूझकर अपने बेटे इनकी राधा कृष्णन की कहां पर अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन करवा दिया। इनको पता था कि ये कहां एडमिशन करवा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसलिए एडमिशन करवाया क्योंकि उनको अपने बेटे के लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा देनी थी। हालांकि इसका प्रभाव पड़ा, बिल्कुल पड़ा, राधा कृष्णन जी के ऊपर इस चीज का प्रभाव पड़ा। तो शुरुआत में जब उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया, पढ़ना यहाँ पर शुरू करा, तो शुरुआत में ही टॉपर लिस्ट में आना चाहते थे। तो शुरुआत में ही दोस्त यहाँ पर वो क्या हुए, टॉपर लिस्ट में आ गए, ठीक है। सुनिएगा, तो स्कूल की बात बता रहा हूँ मैं, स्कूल से इनका सिस्टम चालू होता है। तो स्कूल से इन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई शुरू कर दी, शुरुआत से ही पढ़े, टॉपर लिस्ट में आना यहाँ पर नाम शुरू हुआ। धीरे 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 ग्रेजुएशन के कगार तक पहुँचते हैं। ग्रेजुएशन के कगार पर पहुँचने के लिए वहीं का एक कॉलेज था, सेंट जेवियर्स कॉलेज, वहाँ पर इन्होंने आकर वेल्लूर का कॉलेज था एडमिशन ले लिया। लगभग इनकी उस समय जो उम्र हुआ कर रही थी वो 15 से 16 साल की उम्र थी और इसी उम्र में इनकी शादी भी कर दी गई। इसी उम्र में आप देखोगे तो 15-16 साल की जो इनकी उम्र थी इसमें 10 साल की लड़की के साथ, वहीं गांव की एक लड़की थी उनके साथ इनकी वहीं पर शादी कर दी गई। अब आप सोचिए कि 16 साल की उम्र में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को भी किया और ग्रेजुएशन करने के साथ साथ इन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन को भी जिया। ये दोनों चीजें इनके साथ एक साथ यहाँ पे चल रही थी। तो स्कूलिंग करने के बाद वेल्लोर पहुंचते हैं। वेल्लोर में वहां पर एक साइड जेवियर कॉलेज था, जेवियर कॉलेज में यहाँ पर वो एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद वो वहां पर अपनी पढ़ाई चालू करते हैं।
अब पढ़ाई तो उन्होंने चालू कर दी, पर दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह थी कि अब आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। कहां से पैसे आएंगे आप ये बताइए, एक गरीब परिवार थे, स्कूलिंग तो अच्छे से टॉप कर लिया। फिर आगे जाके क्या हुआ कि उनको स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया। अब देखो टाइम पीरियड क्या चल रहा है हमारा, 96 से 1900 का चल रहा है। इस समय तक अगर आप देखोगे कि जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन थे वो भी धीरे धीरे उग्र होते जा रहे थे। मैकडोनल्ड की जो हमारी रिपोर्ट थी वो भी आ गई थी, शिक्षा संबंधित काफी सारी चीजें यहां पर हुई। तो यहां पर ब्रिटिशर्स ने भी क्या कर दिया था, स्कॉलरशिप देना यहां पर चालू कर दिया था कि अगर कोई मेगावी छात्र है, इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा है, सारी चीजें अच्छी कर रहा है, तो हम उसको यहां पर स्कॉलरशिप यहां पर देंगे। तो इन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है ये तो फिर इन्होंने यहां पर पढ़ाई चालू की और स्कॉलरशिप यहां पर अर्जित की। पर यहां नहीं रुके, केवल पीजी तक ही नहीं रुके, यूजी तक ही नहीं रुके, उसके बाद संकीय। संकीय का मतलब होता है जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, शायद यहाँ कहीं एक वर्ड भी लिखा मिलेगा आपको यहाँ पे। देखो मैं वही चीज बता रहा था, पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं कि 4 वर्षों तक 1904 से लेकर उन्होंने वेल्लूर में शिक्षा की। इसके बाद उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज, मैंने आपको जेवियर्स बता दिया था, जेवियर्स नहीं था वो क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही मेगावी थे, 12 वर्षों के अध्ययन काल में राधाकृष्णन जी ने बाइबल के भी महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए और इसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान मिला। अब आप सोच रहे होगे सर बाइबल के अंश क्यों याद करें, भाई वहां पर अब ही अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, तो ये कंपलसरी होता था कि आपको बाइबल भी पढ़नी पड़ेगी। तो बाइबल भी कंपलसरी थी, इस कारण से उन्होंने बाइबल को भी अच्छे से पढ़ा। जैसे अभी आपने देखा हमारे यहां पर शिक्षा नीति में गीता पढ़ाने की बात चल रही है, गीता का एक अध्याय यहां पर होगा। एनसीईआरटीज में भी यहाँ पर ये एक इशू रेस किया गया है, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे लिए हमारा जो दर्शन है वो भी भारत हमारे एनसीईआरटीज में शामिल हो सकता है। प्रोबेबली जल्द गीता भी आपको पढ़ने मिले एनसीईआरटीज में। तो उसी तरह से इन्होंने बाइबल को पढ़ा, बाइबल को इतने अच्छे से पढ़ा कि उनको उसके लिए सम्मान मिला। फिर आगे देखिए उन्होंने, ठीक है, वीर सावरकर स्वामी विवेकानंद का भी अध्ययन किया और 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। ठीक है, फिर देखना छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने 1904 में संकाय परीक्षा मतलब पीजी किसी भी एक सब्जेक्ट में, जैसे कि अपन आज हिस्ट्री एमए से करते हैं, है ना, कोई ज्योग्राफी से करता है, कोई किसी भी चीज से करता है, कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करना। तो इन्होंने अपना सब्जेक्ट यहाँ पर क्या चुन लिया, दर्शन शास्त्र। माय गॉड डियर, मैं आपको बताऊंगा आज भी आप दर्शन साथ फिलॉसफी जो सब्जेक्ट है ना, यूपीएससी लोग इससे कितने ज़्यादा क्रैक करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी है ना, फिलॉसफी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, छोटे सब्जेक्ट हैं बट लिटरली बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। और मैं आज जब बताऊंगा दर्शन शास्त्र जब इन्होंने लिया, ठीक है, उस समय इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स भी मिले। क्रिटिक्स क्यों मिले, क्योंकि जिस पोजिशन पर इनको बिठाला गया वहां पर लोगों ने क्रिटिक किया। जैसे कि सपोज आज ये आप मान के चलिएगा कि इसको आप ऐसे समझ लो कि कोई एक बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए किसी मेडिकल कॉलेज का डीन बना दिया गया हो, मतलब मेरी बात सुन रहे हो आप, ठीक है, जया जी, समृद्धि जी, जितेंद्र जी, कि किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मेडिकल कॉलेज का डीन बना दिया। अब आपको सुनने में कितना अटपटा टाइप का लग रहा होगा कि सर ये कैसी बात कर रहे हैं सर, मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको किसी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस में, सीएजी वगैरह में जाना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में, या इसका जस्ट वाइस वर्सा कर दो कि कोई एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक सिविल सर्जन है, कोई एक एमएस करके बैठा हुआ है और उस एमएस के उस डॉक्टर के लिए क्या कर दिया गया है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट में या कोई भी एक अकाउंट की सर्विस दे दी गई हो, मतलब टोटली वियर्ड चीज हो गई। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ, दर्शन शास्त्र इनका जो मुख्य रूप से विषय था, आगे जाके ये राजनायक बनते हैं, राजनायक, यूएन में इनको भेजा जाता है, विजयलक्ष्मी पंडित जी थी ना, ठीक है, वो सिस्टर थी जो नेहरू जी की, ठीक है, उनकी जगह पर इनको भेजा गया। अब आप सोचिए उनके तो राजनायक थे, राजनायक का पद इनको दे दिया दर्शन शास्त्र, टोटली अपोजिट। उसके बाद राजनीति का इनको कुछ आता भी नहीं था उस समय तक ज्यादा, इनको उपराष्ट्रपति बना दिया, मतलब आप देख रहे हो कि इनको किस प्रकार के दायित्व दिए गए जो इनका सब्जेक्ट था। इसीलिए कहते हैं कि केवल जो डिग्री होती है ना वो केवल आपके जो क्वालिफिकेशंस और बाकी सारी चीजों को बता सकती है, बट इंटरव्यू इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को बताता है उस समय। तो यही इनके साथ हुआ, तो गणित में और बाकी विषय में उन्होंने योग्यता प्राप्त की और बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर, ठीक है, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। फिर देखिए इन्होंने क्या किया, इसके अलावा इन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से भी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, दर्शन शास्त्र में उन्होंने एमए करा और 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए।
अब इनकी जो क्लासेस चालू हुई पढ़ाई करने की और पढ़ाने की और शिक्षा की लाइन में आगे जाने की, वो शुरू होती है 1916 से। इस समय इनकी उम्र क्या थी? लगभग 26-27 साल, क्योंकि 1888 में इनका जन्म हुआ था, 1916 में ये चीजें चालू कर रहे हैं। अब जब इन्होंने 28 साल की उम्र में शिक्षा की लाइन में कवर एंट्री करी, अब देखो एंट्री में क्या होता है, तो देखो लिखा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में शुरुआत में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में रहे, फिर उसके बाद उसी कॉलेज के वो प्रिंसिपल बन गए, और राधा कृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित करवाया। इनके जो लेख होते थे ना, जो दर्शन शास्त्र के ऊपर होते थे, वो इतने कितना इतने इन्फ्लुएंसिव होते थे कि लोगों के गूजबम्स हो जाते थे। अब दर्शन शास्त्र के ऊपर इनके लेख कैसे होते थे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, इन्होंने दर्शन, जो दर्शन मतलब कि क्या होता है, फिलॉसफी, भारतीय जो हमारी जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री के साथ साथ जो हमारे भारतीय दर्शन था, जैसे कि जो तत्व मीमांसा हो गई, वेद हो गए, उपवेद हो गए, पुराण हो गए, उन सभी की व्याख्या और उन सभी के ऊपर जो इन्होंने टीकाएं लिखे थे, वो इतने ज्यादा फेमस हुए थे क्योंकि इनकी जो भाषा शैली थी चीजों को लिखने की, वो बहुत प्यारी थी, वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही इन्फ्लुएंसिव होती थी। बहुत बार आपने देखा ना, जैसे हम सुभद्रा कुमारी चौहान को जब पढ़ते हैं तो एकदम से विखूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो शब्दों का खेल है, शब्दों का और बोलने का खेल है कि एकदम से हम भी एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, पेट्रियोटिक फीलिंग आ जाती है कि हम भी अपने देश के लिए अब यहाँ पर कुछ करेंगे। तो उसी प्रकार से जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी को पढ़कर हम खूब लड़ी मर्दानी वाली, उसी प्रकार से जब इन्होंने भारतीय दर्शन के ऊपर अपने उस समय पर जब लेख लिखे थे ना, तो बहुत सारे लोग इस चीज से प्रभावित हुए। उन्होंने भी सोचा कि यार ऐसा हमारा भारत था, लिटरली इस तरह से हमारा भारतीय दर्शन हुआ करता था, ये इनके बारे में एक चीज यहाँ पर है। तो शुरुआत में उन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ पर चालू की 1916 में, फिर स्कूल में भी पहुंचे, फिर राधा कृष्ण जी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में यहाँ पर मतलब अपनी पीजी की भी यहाँ पर हासिल किया, और 7 वर्ष तक उन्होंने अध्यापक के तौर पर भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म का गहराई से अध्ययन किया। तो किसी चीज को, ठीक है, सिखाने के पहले उस चीज को सीखना पड़ता है, तो पहले इन्होंने यहाँ पर सीखा उस चीज को, उसके बाद सिखाया। जब ये अध्यापक के तौर पर उस कॉलेज में यहाँ पर पदस्थ थे, तो जितने भी लोग इनसे राधा कृष्णन जी से मिलने आते थे, जितने भी लोग वो मतलब इनको इनकी कहते ना, इनकी जो पर्सनालिटी होती थी, इनकी जो बात करने का तरीका होता था, उसके वहीं फैन हो जाया करते थे। इवन नेहरू जी से भी जब इनकी कांग्रेस अधिवेशन में 1928 में जब मुलाकात यहाँ पर पहली बार हुई थी ना, तो नेहरू जी भी कहते हैं यार मतलब कितने अलग, मतलब अलग ही लेवल के हो आप, तो शिक्षा दीक्षा से, आपके वाक्यों से। उनके बाद में पता चला कि ये दर्शन शास्त्र से संबंधित है, तो नेहरू जी समझ गए थे इनकी काबिलियत देखकर कि ये व्यक्ति केवल दर्शन शास्त्र तक के लिए नहीं है, और आगे जाके नेहरू जी ने उनको कितना अहम पद दिया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, उन दोनों व्याख्याता के तौर पर सामाजिक अध्यापन हेतु शिक्षण का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। 1910 में राधा कृष्ण जी ने शिक्षण का प्रशिक्षण मद्रास में लेना प्रारंभ किया, और इसी समय इनका वेतन 37 रुपए था। फिर शास्त्र विभाग तथा तत्कालीन प्रोफेसर राधा कृष्णन के दर्शन शास्त्रीय भी काफी अद्भुत हुए, वही चीज जो मैंने बताया, जो जस्ट इन्होंने दर्शन शास्त्र के ऊपर जो अपने लेख यहाँ पे लिखे। अब आगे देखिए, बात करते हैं हम इनके, है ना, अध्यवसायी जीवन। अब देखो होता क्या है, 1912 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व शीर्षक से एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की, जो कक्षा में दिए गए उनके व्याख्यानों का संग्रह था। अभी तक जितने भी जो उनके लेख हो रहे थे, जो उनके वाक्याप हो रहे थे, वो लोगों को डिक्टेट करते थे। फिर धीरे 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 अब उन्होंने लिखना यहां पर चालू किया। कब यहां पर चालू किया? 1912 के बाद। अभी तक लिखाई पढ़ाई नहीं करते थे ज्यादा, वो केवल खुद पढ़ते थे और लोगों को क्या करते थे, टीच करते थे। तो अभी तक कोई किताब नहीं थी, आगे जाके उन्होंने कितनी सारी किताबें लिखी, ठीक है, बुद्धा के ऊपर किताब लिखी, जैनिज्म के ऊपर किताब लिखी, भारतीय दर्शन के ऊपर किताब लिखी, फिर ये किताबें लिखना उन्होंने यहाँ पर शुरू किया था। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने किताब क्या लिखा, शीर्षक के नाम से एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की, जो कक्षा में दिए गए उनके व्याख्यानों का संग्रह था। इस पुस्तिका के द्वारा उन्होंने यह योग्यता प्रमाणित हुई कि उनके पद की व्याख्या करने के लिए उनके पास शब्दों का अतुल भंडार है और उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत विलक्षण है। भाई अगर कोई व्यक्ति एक बुक लिख रहा है, तो डेट मीन्स अगर वो किसी चीज को लिखेगा तो एक ही चीज को बार बार थोड़ी लिखेगा ना, उसके पास शब्दों का भंडार तो होना चाहिए ना, वो कैप्स तो होनी चाहिए, तब तो वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो राधा कृष्णन जी ने जब यहाँ पर पहली बार बुक लिखी, तो बुक लिखने से लोगों को, भाई उस समय पर बुक लिखना एक बहुत बड़ी चीज होता था, अपने आप में आज भी बहुत बड़ी चीज होता है, ठीक है, अगर कोई राइटर है यहाँ पर अगर वो लिख रहा है, तो लिटरली ये चीज अपने आप में एक बहुत बड़ी है।
उस समय तक तो ये कंप्यूटर और बाकी सारी चीजें होती नहीं थी ना, पेन ही होता था, तो फिर उसका प्रकाशन होता था। तो ये इन्होंने उस टाइम पीरियड पर अपनी जब बुक लिखी, जब बुक का इसका विमोचन हुआ तो लोगों ने जब इनको पढ़ा तो लोग धीरे 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 इनसे जुड़ना शुरू हो गए, ठीक है। अब यहां से इनकी ख्याति होना शुरू होती है। फिर उसके बाद राधा कृष्ण जी ने यूरोप और अमेरिका में प्रवास में पुनः भारत लौटे। अब यूरोप और अमेरिका क्यों गए थे? तो डियर यूरोप गए थे केवल पढ़ाई करने, और पढ़ाई करने के बाद लेक्चरर भी बन गए थे वहीं पर। आज दुनिया की अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करता हूं तो सबसे पहले अगर जब टॉप यूनिवर्सिटी की बात की जाएगी तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फिर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, ये कुछ ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 5 टॉप 10 में आती हैं। तो शुरुआत हार्वर्ड कैम्ब्रिज से होता है। 7 साल तक रहे ये इंग्लैंड में। सोचिए आज के टाइम पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अहमियत कितनी ज्यादा है, और आज से मैं बात कर रहा हूँ 100 साल पहले की, तब कितनी ज्यादा अहमियत होती होगी। और अंग्रेजी में पूरी पढ़ाई, आप तो हमारे यहाँ पर मेडिकल साइंस भी हिंदी में हो गया है, यहाँ पर IIT IIM भी हिंदी में हो जाएगा, जल्द घोषणा हो गई यहाँ पर उस टाइम पीरियड पर बात कर रहा हूँ इंग्लिश। तो सोचो इनके पास इंग्लिश का भी कितना ज्यादा भंडार रहा होगा, कितना अपने शब्दों का। तो फिर उन्होंने कुछ समय तक यूरोप और अमेरिका में रहे, यूरोप और अमेरिका में यहाँ पर टीचर का भी काम किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी यहाँ पर जुड़े। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर ये भारत लौटे तो भारत में भी विभिन्न विद्यालयों में इन्होंने अलग अलग पदों पर रहे। अब मैं आपको बताऊंगा किस किस यूनिवर्सिटी में किस किस पद पर रहिए, तो आप भी सोचकर मतलब कह दो ना एकदम से चकित हो जाओगे कि सर इतना। मद्रास की यूनिवर्सिटी, मुंबई की यूनिवर्सिटी, दिल्ली DU यूनिवर्सिटी के ये चांसलर यहाँ पर रहे। उसके बाद ये तो 3 चीजें हो गई, चौथी चीज में अगर मैं बताऊं तो UN में गए, 5वीं चीज में उपराष्ट्रपति भी बने। ये तो इनके 5 केवल ऐसी फेमस चीजें जो मैंने जस्ट आपको केवल डिक्टेट करा है, ये तो 5 कमी है जो तो मुझे याद है। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो 1928 में जब ये भारत लौटे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो इनकी किन से मुलाकात होती है? नेहरू जी के साथ मुलाकात होती है। अब आप दोनों ना, दोनों की उम्र बिल्कुल एक सी है, ये 18, नेहरू जी हालांकि 1 साल छोटे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से, ये 89 में पैदा हुए थे, ये 1888 में पैदा हुए। अब जब इनकी पहली बार मुलाकात हुई तो पहली बार मुलाकात में ही ये लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और नेहरू जी समझ गए कि यार इनमें तो मतलब गजब की काबिलियत है, भले ही इन्होंने दर्शन शास्त्र को पढ़ा हुआ है पर ये केवल दर्शन शास्त्र तक सीमित नहीं है। फिर आगे जाके देखिए, राधाकृष्णन जी को भारतीय शैक्षिक सेवा के सदस्य होने के कारण उन्हें राजनीतिक है ना संभाषण हिस्सेदारी नहीं कर सकते थे, अथापि उन्होंने इसकी वर्जना की कोई परवाह नहीं की और 1929 में व्याख्यान देने हेतु मैनचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया। अब क्या था कि जैसे आपको पता है आज भी एक नियम चलता है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो सरकारी नौकरी में होने के बाद किसी आप दूसरे काम में इंडल्ज नहीं हो सकते, कोई दूसरा काम शुरू नहीं कर सकते। पर इस चीज के आप सोचिए इनके बारे में कि ये एक प्राध्यापक हुआ करते थे एक स्कूल में, और ये किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर इस तरह से टीच नहीं कर सकते थे, पर फिर भी ये मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में आमंत्रित किए गए। मैनचेस्टर की बात कर रहा हूँ, फॉरेन यूनिवर्सिटी से इंडियंस को बुलाया जाता था। आप सोचिए ना कि एक विदेशी में, विदेशी विश्वविद्यालय वो भी मैनचेस्टर जैसा, वहां पर इंडियन को बुलाने की, आइए प्लीज आप लेक्चर लीजिए हमारे यहाँ पर, हमें आपकी नीड है। तो ये इनकी खासियत थी कि मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में ये गए, वहां जाकर इन्होंने यहाँ पर भाषण दिया। तो 1929-30 में इनकी नेहरू जी से भी मुलाकात हुई। उस समय जब ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में जाके जब इन्होंने भाषण दिया तो वहां पर उस समय पर आप देखोगे काफी सारे लोग और भी हुआ करते थे, बहुत सारे लोग थे उस समय पर, और उस समय पर भीमराव अंबेडकर जी भी वहीं पर थे। अब देखना 1930 की बात बता रहा हूं मैं आपको, मैनचेस्टर की बात बता रहा हूं, ये वही टाइम चल रहा है जब गोल्ड राउंड टेबल का टाइम है। 1930, 31 एंड 32 में हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, अंबेडकर जी भी वहां पर थे। अंबेडकर जी ने भी जब इनके बारे में यहाँ पर सुना तो अंबेडकर जी भी कहते हैं, क्योंकि देखो एक शिक्षा का महत्व केवल वही समझ सकता है जो बहुत शिक्षित हो, तो अंबेडकर जी से भी शायद ऐसा कुछ लेखक लिखते हैं कि इनकी मुलाकात वहां पर हुई। तो अंबेडकर जी से भी जब मिले तो अंबेडकर जी भी इनके फैन हो गए, कहते हैं यार मतलब, क्योंकि अंबेडकर जी भी कम पढ़े लिखे थोड़ी थे, उन्होंने भी काफी सारी मतलब 3-4 जगह तो MA कर रखा हुआ था, दर्शन से भी करा था उन्होंने, इकोनॉमिक्स से भी किया था, पॉलिटी से भी उन्होंने इकोनॉमिक किया था, 3 तो PhD की थी अंबेडकर जी ने। आप कभी गूगल उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अंबेडकर जी कितने पढ़े लिखे थे उस समय पे। तो अंबेडकर जी से भी ये मिले, ठीक है उस समय। फिर
अब धीरे 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 टाइम आएगा, फिर वापस आ जाते हैं, वापस आते हैं ये, तो फिर यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर पोस्टिंग्स होती हैं इनकी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चांसलर बनते हैं, मद्रास की यूनिवर्सिटी में चांसलर बनते हैं, फिर सबसे अहम काम शुरू होता है जब हमारा भारत आजाद होने वाला होता है। अब आप सोचिएगा कि इनको 19, ये तो लिखा हुआ है वही कि जॉर्ज पंचम कॉलेज में इतने समय तक प्रोफेसर रहे, 39 से 48 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे, 53 से 62 तक डीयू के चांसलर रहे और 46 में यूनेस्को पहुंचे। पर 46 के पहले और 41 के बाद बीच में क्या होता है, जब हमारी संविधान सभा बनती है, जब हमारी संविधान सभा, अब आप एक बात बताइए, संविधान सभा बनती है जब 389 मेंबर्स यहां पर चुने जाते हैं तो वो कौन से मेंबर्स होंगे अधिकतर, क्योंकि हमें देश का संविधान बनाना है। जब हमें किसी देश का एक संविधान बनाना है तो हमें दूसरे देशों के संविधान को पढ़ना होगा, राजनीति से संबंधित हमारा ज्ञान अच्छा होना चाहिए, यदि तो आप संविधान निर्वाचित सभा में शामिल हो पाओगे ना, जब आपको राजनीति का पता होगा। अगर आपको अध्यात्म से जुड़ना है तो आपको फिलोसफी का और वेदों का और उन सारी चीजों का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तब तो आप अध्यात्म से जुड़ पाओगे। अगर आपको डॉक्टर की लाइन में जाना है तो बायो वगैरह में आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सोचिए दर्शन शास्त्र से ये थे, दर्शन शास्त्र से, और इनको संविधान निर्माती सभा में चुन लिया गया। लोग शॉक्ड हो गए कि यहां पर पॉलिटिशियन की जरूरत है हमें, जो पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसको राजनीति यहां पर आती है, वो उस व्यक्ति की हमें जरूरत है। ये क्या करेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वहां पर, जो पॉलिटिक्स से है ही नहीं निर्माती सभा में। नेहरू जी का डिसीजन था, जब चुन के गए तो वहां पर भी इन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। इनकी सौम्यता को देखकर, इनसे जो लोग बात करने आते थे, इनकी पर्सनालिटी और व्यक्तित्व को देखकर वहां पर भी फैन हो जाते थे इनके, तो संविधान निर्माती सभा में भी चुने गए। उसके बाद फिर जैसे ही संविधान हमारा यहां पर लागू होता है, फिर विजयलक्ष्मी पंडित जी की जगह पर ये यूएन के लिए चुने गए। अब आप सोचिए कि यूएन के लिए इनका चयन हो रहा है, यूएन यूनाइटेड नेशन में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, और सब्जेक्ट क्या है, केवल दर्शन शास्त्र। बहुत सारे कांग्रेसियों ने आपत्ति उठाने की कोशिश की, कैसी आपत्ति उठाने की, कि आप एक दर्शन शास्त्र के व्यक्ति के लिए आप राजनयिक सेवाओं के लिए चुन रहे हो, मतलब वही किसी डॉक्टर को अकाउंटेंट बना दो, मतलब डॉक्टर की लाइन अलग है, अकाउंटेंट का प्रोफेशन अलग है, तो वही इनका दर्शन शास्त्र फिलॉसफी एक टीचर है, इनका काम है पढ़ाना, और आप इनको एक क्या बना रहे हो, है ना, MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आप डाल रहे हो। लोगों ने विरोध करना शुरू किया, पर नेहरू जी के आगे कौन रुख सुन सकता था। जैसे ही यूएन में पहुंचे, यूएन में भारत का डंका वहां पे भी बजा दिया इन्होंने, मतलब कि ना राजनायक होते हुए भी इन्होंने राजनायक के दायित्व, मॉस्को पहुंचे थे रशिया, और उस समय के भी जो भारत के राजनायक होते थे ना, उनसे लाख गुने अच्छे तरह से इन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया, ठीक है। तो जो और जो राजनायक थे वो भी इनसे सीखने आते थे कि आप कैसे करते हो इतनी अच्छी चीजें जबकि ये आपका फील्ड ही नहीं है, वही चीज बताई इन्होंने अध्ययन। तो ये इनके जितनी भी योग्यता, जितनी भी इनको जिम्मेदारियां सौंपी गई, उन सभी जिम्मेदारियों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर निभाया। मॉस्को में नियुक्त हुए और राजनायक में सबसे बेहतर थे और एक वो गैर परंपरावादी राजनायक थे। अब इसके बाद देखो 52 में सोवियत संघ के आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति को भी चुना गया। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित भी किया गया। नेहरू जी ने इस पद हेतु राधाकृष्णन जी का चुना और लोग फिर से चौंक गए क्योंकि उन्हें आश्चर्य था कि इस पद में कांग्रेस की किसी राजनीतिक के लिए दिया जाएगा। और उपराष्ट्रपति के रूप में जब राधाकृष्णन जी राज्यसभा में पहुंचे तो राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स थे वो भी इनके व्यक्तित्व को देखकर इनके दीवाने हो गए। तो ऐसा था हमारे राधा कृष्णन जी का व्यक्तित्व। तो सोचो आप एक केरल के तिरुवनी छोटे से गांव, एक गरीब ब्राह्मण परिवार के जो कि 6 भाई बहन थे और वो भारत के उपराष्ट्रपति, राजनायक, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर, इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज के चांसलर, इनवाइटेड किया जाता था इनको कि विदेशों में आप आकर पढ़ाओ। तो ऐसा व्यक्तित्व रहा है इनका। तो संसद के सभी सदस्यों ने उनके कार्य व्यवहार की काफी सराहना की, इसकी सदस्यता, दृढ़ता, और लोग आज भी इनके स्वभाव को जानते हैं। तो ऐसा टाइम पीरियड रहा है इनका उपराष्ट्रपति के दौरान का। फिर उसके बाद शिक्षक दिवस हम इनके रूप में मनाते हैं, तो 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने जितनी शिक्षाएं प्राप्त की थी उन्हीं शिक्षाओं के दम पर आज हम इनका शिक्षक दिवस के तौर पर इनका बर्थडे को हम यहाँ पर मनाते हैं। और 1975 में फिर इनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो 1975 अप्रैल के मंथ में, क्या बोरिंग के डिब्बे के यहाँ पर है, बोर डिब्बे,
बोर का, हाँ ओके। तो लिखा हुआ है देखो कि 1931 में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सर की उपाधि भी प्रदान की गई, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने है ना डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए चुना गया और उपराष्ट्रपति बन गए। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने 54 में इनके सराहनीय कार्यों के कारण इनको भारत रत्न भी दिया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर राधाकृष्णन जी, एक जीवनी, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। अगर आप सोच रहे हो कि ये खत्म हो गया तो खत्म नहीं, कल इनकी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ठीक है, इनका दर्शन शास्त्र का लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें मैं आपके ये वाले टॉपिक्स भी कवर कराऊंगा, ठीक है। तो राधा कृष्णन जी और यूनिट वन कंप्लीट। गाइस हमारे कुछ बैच कोर्सेज यहाँ पर शुरू हुए हैं 20 अक्टूबर और 27 से ये चालू होने वाला है, आप इनमें एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको ये पूरे के पूरे एजुकेटर्स हमारे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ये सेप्टेम्बर में कोर्स चालू हुए थे, तो इसमें आप देख सकते हो जो अक्टूबर से चालू होगा ये प्री प्लस मेन्स का कोर्स है, इसको ज्वाइन करोगे तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ये वाला हमारा मेन्स का कोर्स है, इसमें मैं आपको पेपर 3 पढ़ाने वाला हूँ जिसमें एनवायरमेंट का पोर्शन है, तो ये मैं आपको कवर करवाऊंगा। फिर एक हमारा आइकॉनिक बैच भी 29 सितंबर को शुरू हुआ है, तो ये भी ऑनगोइंग है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो 199 रुपीस में टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, तो प्लीज आप इसको ज्वाइन करिएगा, 45 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे। अनअकैडमी पर अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो मेरे कोड के थ्रू तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा डियर, मेरे नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स की क्लासेस। अब मैं क्योंकि नोट्स तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, अब आपके शॉर्ट नोट्स की क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज इस कोड का यूज करिएगा जब भी आपको सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेना हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकुर दुबे अकेडमी, अभियान और लेट्स करेक्ट एमपी एग्जाम, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारे के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। ओके सो क्लास कैसी लगी एक बार लाइक करके जरूर बताइएगा, और है ना कमेंट जरूर कर देना किस तरह से आपको लेक्चर लगा। कल लास्ट लेक्चर रहेगा और फिर हमारा ये इकोनॉमिक्स वाला सॉरी एथिक्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट। ओके चलिए, सो बाय बाय एवरीवन, बाय जया, बाय सुभद्रा जी, इसके क्वेश्चंस मैं आपको भेज देता हूँ। ओके चलिए बाय।